जगन्नाथ। सर्वप्रथम उमर गुरुपाद पद्म जुगाचार्य श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमल रे साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करी तांकर अहेतुक कृपा प्रार्थना करूछि। प्रिय आत्मन, ये पुरुषोत्तम आसर श्रीक्षेत्र मंडल परिक्रमा करिवा क्रम रे आज आम मैंने परिक्रमार गोटे स्थान एवं पवित्र पुण्य स्थान को आम मैंने आज दर्शन करने जीवा जार नाम हूँ सिद्ध बकुल मठ नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर ये भजन कुटीर श्रील चैतन्य महाप्रभु प्रिय पार्षद जहाँ को स्वयं चैतन्य महाप्रभु निजे नामाचार्य उपाधि प्रदान करते श्रील हरिदास ठाकुर से दिन को 3 लक्ष नाम करुले गोटे हूँ लक्षे नाम करुले उपांशु भाव एवं वाचनिक मानसिक अर्थात उच्च स्वर से 1 लक्ष नाम करुले एवं धीरे धीरे 1 लक्ष नाम करुले एवं मने मने 1 लक्ष नाम करुले तेणु नाम प्रति प्रगाढ़ रुचि नाम महिमार प्रचार देखि चैतन्य महाप्रभु तांकु नाम उपाधि देथिले नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। जेतेबेले चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी क्षेत्र रे बसती स्थापन करथिले कीर्तनर महारासर विशेष भाव रे जे रसास्वादन करथिले स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद सहित सही समय रे श्रीक्षेत्र पुरी रे बास कर रहिबा समय रे बंगलार भक्त मान सहित नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर मध्य जगन्नाथ पुरी के आसिले किंतु नामाचार्य हरिदास ठाकुर दूर रे रहिले महाप्रभु पाख को गले अन्य समस्त भक्त मैंने महाप्रभु सहित मिसिबा पें जेतले गले अन्य समस्त को देखी चैतन्य महाप्रभु पचारे जे हरिदास कुआडे गले हरिदास कथा शुणी समस्त भक्त मैंने हरिदास ठाकुर कथा निवेदन कले कले प्रभु हरिदास कहे आमी नीच जाति छार मंदिर निकटे जाइते मोरो नाही अधिकार निवृत तोटा मध्य स्थान जदि पाई ताहा पड़ी रहो अकेले काल गोवाई जगन्नाथ सेवकर मोर स्पर्श नाही हय ताहा पड़ी रहो मोर एई बांछा हय। भक्त माने सुनेले महाप्रभु हरिदास ठाकुर कहिचंती जे मु नीच जाति छार तुच्छ मोर मंदिर निकट को जीवार कौन से अधिकार नहीं कारण हरिदास ठाकुर चिंता करते मु मुसलिम कूल जन्म होच जाति तेना आसुन एवं कहले गोटे निवृत तोटा जदि गोटे कुटीर खंडे मिल जाए तेल से बस भजन कर मोर समय को बीतई देवी। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कथा श्रवण कर बड़े प्रसन्न हेले कारण दिनेर अधिक दया करेन गौर राय दैन्य प्रकाशित दैन्य विनम्र भक्त मानक प्रति दिनहीन अकिंचन भक्त मानक प्रति चैतन्य महाप्रभु विशेष कृपा करती आउ दिन तार प्रतिमूर्ति नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर को महाप्रभु विशेष कृपा मध्य कले। एक कथा शुणी काशी मिश्र से निजर ए काशी मिश्र निजर भवन महाप्रभु जो स्थान रोते गंभीरा निकट गोटे उपवन तोटा को से प्रदान कले महाप्रभु निकट निवेदन कले महाप्रभु जदि जदि नामाचार्य हरिदास ठाकुर सेवारे ये तोटा टी ग्रहण आपण करती ताहले मोर जीवन को कृतार्थ मन करी। महाप्रभु ये संवाद शुणी प्रसन्न हेले एवं नामाचार्य हरिदास ठाकुर पाखे जा पहुँचिले। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को देखी भूमि तलू आलिंगन कले उठेले एवं उभय उभय को प्रेम विहोल आलिंगन करी जे उभय उभयंकर गुण प्रशंसा कले किंतु नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहले प्रभु मु नीच जाति मत आप स्पर्श करूनि किंतु महाप्रभु तांकु तो अस्पृश्य पामर छार बोली जिते दिन तो प्रकाश कले चैतन्य महाप्रभु किंतु तांकु आलिंगन कले एवं बड़ प्रशंसापूर्वक कहले तोमा स्पर्शी पवित्र होते तुमार पवित्र धर्म नाही क आमाते कहले हरिदास तुम पाखे जो प्रकार पवित्र धर्म अच्छी नाम संकीर्तन तुम्हें जो कर से मोर पवित्रता से भली पवित्रता मो निकट रे ही नहीं क्षणे क्षणे कर तुम्हें सर्वतीर्थ स्नान क्षणे क्षणे कर तुम्हें यज्ञ तपोदान निरंतर कर तुम्हें वेद अध्ययन
द्विज न्यासी हैते तुमि परम पावन। महाप्रभु कहले प्रति क्षण रे तमे सर्व तीर्थ रे समस्त तीर्थ रे स्नान करुछ। अन्य माने यज्ञ तपस्या दान करि जेतिकि फल पाउनहांती तमे तार कोटि गुणा फल मध्य पाउछ। कारण निरंतर तमे वेद अध्ययन ही तम द्वारा ही होउछि। ब्राह्मण सन्यासी मानक ठारु मध्य तमे अत्यंत पवित्र। इति कही श्रीमान महाप्रभु पुष्प उद्यान को नेले। सही स्थान रे निर्जन स्थान रे घर अर्पण कर कहले हे हरिदास यही स्थान रही कर नाम संकीर्तन प्रतिदिन आसी आमी करिब मिलन मंदिर चक्र देखी करिह प्रणाम एठाए तुमार आसीबे प्रसादन। महाप्रभु कहले इस स्थान रे कि आपण भजन करंतु नीलचक्र दर्शन कर जगन्नाथ को प्रणाम करंतु एवं प्रतिदिन मु निजे ही आसी तुमको ये दर्शन देवी एवं जेतेबेले महाप्रसाद अन्न आपण पाखक आसव सतु सत चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने को जपरी जाती हरिदास ठाकुर सहित मिशवापी महाप्रभु से भाई आसती क्या चैतन्य महाप्रभु प्रथम समुद्र स्नान कर फेर समय हरिदास ठाकुर को दर्शन करने को जाती। कारण कौन जीव समुद्र स्नान करने को गला समय मिशवापी जाऊन कि दर्शन स्नान सारे दर्शन करने आसते। कारण हूँ जगत लोक किए न कहतु जे हरिदास ठाकुर म्लेच्छ कूल मुसलिम कूल जन्म ही तो तेणु महाप्रभु तुम दर्शन करने निज को अपवित्र मन करजे समुद्र स्नान कर पवित्र जाऊँ कि महाप्रभु यहाँ प्रतिष्ठा करेले प्रदर्शन करेले शिक्षा देले जे वैष्णव तीर्थ स्नान ठारु मध्य वैष्णव दर्शन अत्यंत पवित्र। तेणु सर्वतीर्थरे समुद्र महोदधि तीर्थराज महोदधि स्नान करिवा परे महाप्रभु नामाचार्य हरिदास ठाकुर दर्शन करिवा पे जाउथिले। कारण दर्शने पवित्र कर एई तुमार गुण वैष्णव दर्शन तीर्थ स्नान ठारु मध्य अधिक पवित्र। तेणु स्नान करी प्रथमे तापर दर्शन करिवा पे जाउथिले। कथा एपरि सुना जाए एटी सिद्ध बकुल मठ नाम काहीं हेला जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रत्येक दिन तीन प्रकार तीनोटी दांतकाठी व्यवहार हुए अवकाश रे तड़प उतरि बेश समय रे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रांग निकट रे से दांतकाठी रे आयुर्वेदिक नाम होची कुंभाटुआ दांतकाठी किंतु ताकु ओडिया रे आमर कुहा जाए मुत्री दांतकाठी। से दांतकाठी की व्यवहार करथिले किंतु दैव क्रमे दैवात क्रमे दिने गोटे दांतकाठी नथिला कुआडे हजी जाइथिला ताकु हठात सेवक माने गोटे बकुल दांतकाठी से दिन दे जगन्नाथ सेवा कले एवं से दांतकाठी को प्रसाद रूप से बकु दांतकाठी चैतन्य महाप्रभु किए सेवक प्रदान कले। महाप्रभु प्रेम नुमाद नृत्य कीर्तन करी हरिदास ठाकुर को भजन कुटीर पाखे पहुँचिले एवं से तोटारे से लगेदे संगे संगे से अंकुरोद्गम है क्रमे क्रमे विराट वृक्ष परिणत है तार मूल बसी हरिदास ठाकुर नित्य प्रतिदिन भजन करते। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर परे से स्थानर अधिकार एवं दायित्व नेले सिद्ध बाबा श्री जगन्नाथ दास गोस्वामी। से ही समय कथा शुणा जाए थरे जगन्नाथ रथ काठ किसी चकार पहिया भांगी जाइथिला एवं ताकु ठीक करने उद्देश्य राज कर्मचारी माने से माने से गच्छ संबंध में जेतले जानिले एवं आसी निर्णय करिगले जे दिन धार्य करिगले ए गच्छ को एई दिन ही काटिबा को पड़िबो किंतु सेवक जगन्नाथ दास गोस्वामी अनेक अनुनय विनय हेले प्रार्थना कले राज कर्मचारी मानकु कारण ये चैतन्य महाप्रभुंकर प्रसादी जगन्नाथंकर दांतकाठी उद्भव एवं नामाचार्य हरिदास ठाकुरंकर भजन स्थान तेणु से वृक्षटी पूजनीय वृक्ष ये काटिबार वृक्ष नुह किंतु जिते नेहुरा हेले मध्ये से माने कथा शुणिले नि किंतु बड़ा आश्चर्य से माने जो दिन काटिबा पे आसिले सही दिन किंतु गच्छटी अंतसार शून्य हो पड़ी अच्छी अंतसार शून्य हो जाइए अतए राजकर्मचारी मैंने देखी फेरी पलिगले। तेणु से वृक्षर नाम रखिले से दिन ठार प्रसिद्ध है ये सिद्ध बकुल आउ से स्थान में भजन कूटे थी जो से मठर नाम सिद्ध बकुल मठ।
कहुए चैतन्य महाप्रभु चैत्र मासर विषुव संक्रांति बा चैत्र संक्रांति रे ए वृक्ष को रोपण करते तेणु आज मध्य से स्थान रे सिद्ध बकुल मठ रे विषुव संक्रांति दिन कि सिद्ध बकुल दांतकाठी रोपण महोत्सव गोटे विराट उत्सव पालन हुए सब श्रीक्षेत्र धाम समस्त वैष्णव माने आसंती यही दिन बड़ा आनंद रे बहुत आरंभर सहित नामाचार्य हरिदास ठाकुर उत्सव सेठी पालन करा जाए कहुए श्रील हरिदास ठाकुर एक श्री विग्रह जगन्नाथ दास गोस्वामी महाराज सेठी प्रतिष्ठा करते सहित नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित एवं श्रीमान षडभुज गौरांग महाप्रभु एवं राधा गोविंद देवंकर विग्रह सेठी प्रतिष्ठा करते वर्तमान जी मठर महंत महाराज श्रीनिवास आचार्य महाराज सीए नूतन भाव सुंदर मंदिर प्रतिष्ठा मंदिर तैयारी करी समस्त विग्रह मान को यथास्थान सुंदर मर्यादार सहित प्रतिष्ठा एवं सेवा पूजा एवं नूतन मंदिर किंतु जगन्नाथ आज मध्य से वृक्ष विद्यमान अच्छा तेब चैतन्य महाप्रभु अन्यतम पार्षद श्रील रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी जिते आसिले से मुसलमान घरे दरबार में चाकरी करुथिले बोली से मंदिर को जाऊ नथिले जगन्नाथ मंदिर को नामाचार्य हरिदास ठाकुर निकट रे ही रहुथिले एवं थरे चैतन्य रूप गोस्वामी पाद हरिदास ठाकुर भजन कुटेरे अछंती महाप्रभु समुद्र स्नान करी हरिदास ठाकुर मिशिवाप आसिले किंतु रूप गोस्वामी पाद दूर रु चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कले हरिदास ठाकुर कहले महाप्रभु रूप आपण को प्रणाम करुछंती रूप गोस्वामी को देखी महाप्रभु दिव्य आलिंगन प्रदान कले एवं प्रीति संभाषण करिवा परे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी द्वारा रचित गोटे पृष्ठा को गोटे श्लोक को देखिले अक्षर रूप गोस्वामी पाद देखी बड़ प्रशंसा कले एवं से मंत्र देखी श्लोक देखी चैतन्य महाप्रभु विशेष प्रसन्न हेले श्लोकटी कौन थी जानते नाम महिमा संबंध रे तुंडे तांडविने रतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड क्रडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहं चेत प्रांगण संगिनि विजयते सर्वेन्द्रियाणं कृति नो जान जनिता कियद् विमृति कृष्णे तिबरन द्वये तुंडे तांडविने रूप गोस्वामी पाद लिखुचंती कृष्ण हे सखी ये कृष्ण रूपक दुईटी वर्ण रे कौन बा अमृत विधाता भरी देची जे आकु सुनिबा बेले तुंडे तांडव ने याकु गान करिवा समय तुंड तांडव नृत्य करुची कर्णार बुदेभ्य स्पृहाम दुईटी कर्ण रे प्रवेश कले कान अर्बुद संख्यक कर्ण हेबा पई से आशा प्रकाश इच्छा प्रकाश करुची एवं कानर भितर दिए मरम पशिलगो आकुल करिल मोर प्राण जेतले कर्ण मध्य देई से हृदय रे प्रवेश करुची चेत प्रांगण संगिनी विजयते हृदय अगणारे जेतले से नृत्य करुची सेठ कहउचंती जे सेठी दिव्य उन्माद से प्रांगण रे उदित होउची एवं समस्त इंद्रिय मानकर जे क्रियाकलाप को विजय प्राप्त करी से शांति संतोष प्रदान करुची अतएव ये नाम रे कौन अमृत भर देचंती नामाचार्य हरिदास ठाकुर से श्लोक देखी तार अर्थ शुणी महाप्रभु तो विशेष प्रसन्न हेले किंतु नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहले मु कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी नामेर महिमा एचे कहाँ नहीं सुनी नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहले रूप मु अनेक शास्त्ररु एवं साधु मानकर मुखरु यद्यपि नामर महिमा अनेक प्रकार शुणी किंतु एपरी नामर महिमा आज पर्यंत को स्थान मुझुना अतए नामाचार्य हरिदास ठाकुर स्थान रे चैतन्य महाप्रभु निकट रे निजर शरीर त्यागर कथा कही एठी निजे स्वदेश शरीर त्याग करथिले जहाँ महाप्रभु से शरीर को नहीं निजे समाधि प्रदान कले अतए समस्त लीला ये सिद्ध बकुल मठ बा हरिदास ठाकुर भजन कुटीर रे ही समापन होता तेणु निवेदन आपण माने जदि केबे जगन्नाथ पुरी आसंती तेबे हरिदास ठाकुर कृपा पाइबा पई वैष्णवर आवेदन कृष्ण दयामय
महाप्रभु जदि वैष्णवंकर कृपा हो जाए ताले कृष्ण दयामय विशेष कृपा करती तेणु आपण मानक निवेदन सिद्ध बकुल मठ को निश्चित आसतु दर्शन करतु एवं हरिदास ठाकुर सहित चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करी नाम प्रेम मतुआल हूँ। हरे कृष्ण।